जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस। छिंदवाड़ा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनके शास्त्री के दिशा निर्देशन में जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन सिविल सर्जन डॉक्टर एमके सोनिया की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर बसंत शर्मा द्वारा हेपेटाइटिस के संभावित कारणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि हेपेटाइटिस का संक्रमण कई तरह से फैलता है, जैसे दूसरों की प्रयोग की गई सिरिंज पुनः उपयोग करने से, असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरों के द्वारा प्रयोग वस्तुएं जैसे रेजर ब्लेड, नेल कटर, टूथब्रश आदि का उपयोग करने से, टैटू, नाक, कान और शारीरिक क्षेत्र के लिए संक्रमित सुई एवं स्याही का प्रयोग करने से, संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों का ट्रांसफ्यूजन और डायलिसिस आदि से हेपेटाइटिस का संक्रमण फैलता है। HIV की तुलना में हेपेटाइटिस अधिक संक्रामक होता है। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं में इसका संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इसके संक्रमण से बचाव के लिए हेपेटाइटिस टीका के 3 डोज लगाना अनिवार्य है। पहला डोज लगाने के बाद दूसरा डोज 1 माह पूर्ण होने पर, तीसरा डोज 6 माह पूर्ण होने पर लगाया जाता है। कार्यक्रम में RMO डॉक्टर हर्षवर्धन कुड़ापे, डॉक्टर सुशील दुबे, डॉक्टर रवि टांडेकर, डॉक्टर रंजना टांडेकर, डॉक्टर ममता आंदेव, डॉक्टर कृति शर्मा, एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल नाग, जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वासनिक, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। MP News Live, जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास खबर।